इस राज्य में जो मेरा अपना राज्य है भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का वो देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज सुबह भी संख्या में लोग जुड़े उत्सुक थे, भारत जोड़ने को तत्पर थे और समझ रहे हैं यहाँ के लोग, मेरे राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या खतरे मंडरा रहे हैं, कैसे उन खतरों से लड़ना होगा। हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। हमारी चीन से जो सीमाएं, विशेष तौर पे अब जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, सरकार खुद भी आंख मूंद कर बैठी है और सरकार चाहती है कि मीडिया और विपक्ष भी आंख मूंद कर बैठ जाएं। कल तमाम विपक्षी दलों ने संसद में वॉकआउट किया क्योंकि विपक्षी दल आंख मूंदना नहीं चाहते, वो आंख खुली रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं मीडिया भी अपनी आंख खुली रखे, क्योंकि अगर हम सबने आंख मूंद ली तो माफ कीजिएगा बॉर्डर पे बचने लायक कुछ होगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं। कल हम सबने, हमारे तमाम विपक्षी दलों ने इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे सरकार के जवाब से। सरकार संसद में चर्चा चीन के मुद्दे पर नहीं करना चाहती, प्रधानमंत्री का मुंह बंद रहता है और जब मुंह खुलता है तो वो क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। 20 जून 2020 को जो उन्होंने क्लीन चिट दी, आज तक हिंदुस्तान उस क्लीन चिट का खामियाजा भुगत रहा है। हर बॉर्डर पे चीन के साथ हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं क्योंकि चीन को समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी छवि से ऊंचा और किसी चीज को नहीं मानता। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को भी वो अपनी छवि से नीचे मानते हैं, ऊपर नहीं मानते। संसद में आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते चीन के मुद्दे पर, यह कांग्रेस भी जानना चाहती है, समूचा विपक्ष यह जानना चाहता है। राजस्थान में हम बैठे हैं, इसी मुद्दे पर राजस्थान का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। 1962 के जंग में, जो हिंदुस्तान और चीन का जंग हो रहा था, एक 36 वर्षीय नौजवान सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बीच जंग के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। चाहते तो नेहरू जी भी कह सकते थे कि आप तो चीन के एजेंट हैं, हम नहीं आपकी बात सुनेंगे। नेहरू जी ने वो मांग स्वीकार की। राजस्थान कैसे जुड़ा हुआ है इस ऐतिहासिक मुद्दे पर, मैं वो बताता हूं आपको। पाली से एक सांसद हुआ करते थे, हमारे सहयोगी हैं अभिषेक सिंघवी जी, उनके पिताजी निर्दलीय सांसद थे। उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी, अटल जी को भी सलाह दी कि ये जो सत्र होगा ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, इसकी जो चर्चा होगी इसको छपना नहीं चाहिए अखबारों में, मीडिया में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नेहरू जी ने उसको इनकार कर दिया कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, लोगों का हक है जानना कि सांसद इस पर क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं, सरकार की क्या राय है। नेहरू जी ने जिद की कि संसद में चर्चा होगी और वो चर्चा कोई कॉन्फिडेंशियल चर्चा नहीं होगी, सबको मालूम होना चाहिए क्या हुआ। 165 सांसदों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया, अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी हुआ करते थे, खुलकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, अपनी ही सरकार से सवाल पूछे और उन्हें किसी ने रोका नहीं। ये कांग्रेस की परंपरा ना तब थी ना आज है। मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, जब सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है, तो देश जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। मजबूत सेना है हमारी, वीर सेना है हमारी, शौर्यवान सेना है हमारी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, कमजोर हो, तो सैनिक खदेड़ना चाह रहा है चीन के सिपाहियों को, लेकिन क्लीन चिट दे रहा है प्रधानमंत्री। बताइए कैसे सीमाएं सुरक्षित रह सकती है। तो ये चिंता जो हमारी है, ये चिंता हम आपसे साझा कर रहे हैं, हम चाहते थे संसद में भी साझा करें लेकिन नहीं करने दी गई। ये चिंता इस देश की चिंता है, प्रत्येक नागरिक की चिंता है और जिस राज्य से हम आते हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहां से कई जवान सेना में जाते हैं, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं।
तो ये कर्जा हम सबके सर पर है, यहां के जवानों का कर्जा है हमारे सर पर। उस कर्जे को उतारना इस सरकार की जवाब दें के साथ आपकी नीति क्या है, क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हो, आप किस दबाव में हो। 18 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा पढ़ाना चाहते थे, कंपलसरी करना चाहते थे। कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। गुजरात के स्कूलों में आप मैंडरिन लाना चाहते हो, आपका क्या रिश्ता है चीन के साथ? 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ धोलेरा जो गुजरात में एक बना रहे हैं, ये 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ किए गए। अपने जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जमीन नहीं दे रहे, चीन की कंपनियों को धोलेरा में जमीन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्या रिश्ता है आपका, क्या कारण है, क्या दबाव है चीन का आपके ऊपर, चीन के पास क्या है ऐसा कि आप चीन के आगे ना मुंह खोल पाते हो ना आंख उठा पाते हो? तो ये सारे सवाल। और आपको एक हैरान कर देने वाला तथ्य बताता, कुछ कंपनियां हैं यूसी वेबसाइट मोबाइल, चीन की कंपनी है, भारत सरकार मोदी सरकार कहती है कि यह कंपनी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, उसी कंपनी को लोकसभा चुनाव में भाजपा इस्तेमाल करती है, क्या कारण है? ऐसी और कंपनियां हैं, एक और कंपनी का नाम सुनिए, डोंगफेंग नाम की एक कंपनी है, विश्व बैंक ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, यूरोप ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन मोदी सरकार ने डोंगफेंग कंपनी को बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर बनाने का लगाने का ठेका दे दिया। और स्मार्ट मीटर का ठेका जब आप किसी कंपनी को देते हो तो आप उपभोक्ताओं का तमाम डेटा उस कंपनी को सुपुर्द कर देते हो। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का डेटा ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनी को मोदी सरकार ने क्यों दिया? पैसे भी दिए, डेटा भी दिया, क्या दबाव है चीन का आप पर, क्या मजबूरी है आपकी कि आप चीन की कंपनियों के आगे यूं झुकते चले जाते हो? ये सवाल जब हम पूछते हैं तो देश की चिंता है इसलिए पूछते हैं, और सरकार और देश में अंतर होता है। मुझे देश से मोहब्बत है इसलिए मैं अपनी सरकार से सवाल पूछता हूं, यह बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए। ऐसी कई कंपनियां हैं, पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियों ने पैसे दिए, बताएं वो हिसाब, बताएं कौन सी वो कंपनियां थी। उसमें ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिनको पूरा विश्व अपने अपने देशों में आने से रोकना चाहता है और रोकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड, जिसके बारे में जानकारी न कभी आपको मिल सकती है न हमें, तभी मिलेगी जब हमारी सरकार आएगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, वो तमाम कंपनियों से पैसे लिए, चीन की कंपनियों से। चीन की कंपनियों से आप लोकसभा चुनाव में उनको बुलाकर हस्तक्षेप कराते हो अपने देश के चुनावों में, चीन की कंपनियों से आप पैसे लेते हो, चीन की कंपनियों से आप पीएम केयर फंड में पैसे लेते हो, उनको आप धोलेरा में जमीन दे देते हो। आपकी नीयत क्या है, आप पर दबाव क्या है, ये हम बार बार पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम पूछेंगे।